आदित्य अकादमी जोगिंदर नगर के परीक्षार्थियों के लिए आज अकादमी के निदेशक नीरज भारद्वाज ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें फायर ब्रिगेड जोगिंदर नगर के प्रभारी शेर सिंह सकलानी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। सकलानी ने अकादमी के छात्रों को बताया कि आप किस तरह से अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में सकलानी ने छात्रों को जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अकादमी के निदेशक नीरज भारद्वाज ने कहा कि भविष्य में भी अकादमी में इसी तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा, ताकि बेरोजगार युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। भारद्वाज ने कहा कि अकादमी में कठिन पाठ्यक्रमों को आसान व सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। भारद्वाज ने कहा कि छात्रों के विशेष अनुरोध पर अकादमी में 4 मार्च व 6 मार्च से आर्मी के लिए विशेष बैच शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए अकादमी में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो छात्र आर्मी के लिए कोचिंग लेने के इच्छुक हैं, वो अकादमी में आकर पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। नीरज जी ने देखो दिल्ली में कोचिंग लिया और वहाँ मेहनत किया, इन्होंने स्ट्रगल कर रहे हैं और आज जिन्होंने अगर HS में क्वालिफाइड हुए हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम इनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी हिमाचल फायर सर्विस की ओर से भी और आप बच्चों की तरफ से भी इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत मेरा बड़ा लगाव है इनके साथ। एक्चुअली में आप लोगों को किस प्रकार से आज लोगों को अवेयरनेस करना है, आज आप लोग देखते हैं हर डिपार्टमेंट में पोस्टें चलती रहती है। आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी है आप लोगों का, या आज आपके जेल वार्डन की पोस्टें निकली है। देखो हमारी हिमाचल फायर सर्विस में थोड़ा सा अभी डायरेक्ट नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट का, परंतु ये भी हो जाना है। हमारा जो है होमगार्ड्स डिपार्टमेंट है, हमारे तीन डिपार्टमेंट है, जैसे होमगार्ड्स डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है और फायर सर्विस। जो हमारा DG है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा फायर सर्विस का डायरेक्टर है, क्योंकि उसके ही अंदर हम लोगों का जितना भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो लोग ही वो इस प्रकार से हम लोगों को सारा संचालन जो है विभाग का करते हैं। तो हम लोगों को जैसा भी आप लोगों को पुलिस में चाहिए, वो ग्राउंड वर्क है, आर्मी में ग्राउंड वर्क है, वो भी हम लोगों ने कर दिया। आज आप लोगों को फिजिकली भी फिट होने हैं और साथ में आप लोगों को मेंटली भी हम लोगों को प्रिपेयर होना है, होने नहीं होना है, तो वो आप लोगों ने ध्यान करना है। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, आप क्लास लेते हैं, जैसे भी आप अटेंड किया क्लास को, और उसके बाद भी आप लोगों ने घर जाके के पढ़ना है। आप लोगों ने इधर उधर की बातें आप लोगों ने, जब आप लोग अपनी जॉब पे लग जाएंगे तो आप ये समझेंगे यार कि हम लोगों को थोड़ा सा गाइडलाइन मिले हैं और अपनी लाइन में हम लोगों ने अच्छा बनना है। आज आप लोग इस अकेडमी में आदित्य अकेडमी में ले रहे हैं जो भी आपके टीचर्स हैं, और उसके बाद आप लोग जैसे भी आप लोग बाहर लेने दिल्ली लेनी है या चंडीगढ़ लेनी है दिल्ली। आज आदित्य अकेडमी जोगिंदर नगर में छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड प्रभारी जोगिंदर नगर श्री शेर सिंह सकलानी जी ने एक विशेष मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया, और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अकेडमी भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी, तथा आगामी 6 मार्च और 4 मार्च से छात्रों के विशेष अनुरोध पर अकेडमी में आर्मी के लिए विशेष बैच शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए आप अकेडमी कार्यालय में आकर पंजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि पंजीकरण शुरू हो चुका है और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।